हेलो फ्रेंड्स, लर्न हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क वाला कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कर लीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं न्यू का ये आ जाएगा। तो आप यहां से क्रिएट कर लेंगे जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमें एक वीडियो यहां पे क्रिएट करना था यूट्यूब के लिए, तो हमने यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हमने एक कोई भी वीडियो ले लिया जिसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने एक स्क्रीन शॉट को ही यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे 16 सेकेंड का ये स्क्रीन शॉट है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे ये परफेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे इसका कोई वाटर मार्क नहीं आ रहा है जो यहाँ पे लोगो बन के आता है इस जगह पे। तो इस पर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक लेयर भी ऐड कर लिया है यहाँ पे इस तरह एक, और भी इसमें कि 25 सेकेंड का वीडियो और ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे भी आप उसको जिस तरह एक्सेस करके बनाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, ये दोनों वीडियो साथ में हमने इस तरह बना लिया। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब कोई लोगो नहीं आ रहा है काइन मास्टर का। तो ये जो एप्लीकेशन है लेटेस्ट वर्जन पे, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना एप्लीकेशन है आप इसकी। अब इसको हम दिखाते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करके। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे अगर हम इस वीडियो को चलाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और यहाँ पे फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगर इसको कट करना है तो इसके बाहर का वीडियो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और एक ट्रिम से आप इसको कट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसको एक्सपोर्ट करने पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि ये कितने क्वालिटी पे, जैसे क्वालिटी 1440 पिक्सल पे ये है और इसकी बिटरेट या फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अगर हम यहाँ से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा ही टाइम में एक्सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी वीडियो है। तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपके उस पर आ जाएगा फाइल या फोल्डर में। और इस चीज़ को हम बता दें कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते हैं। तो कमेंट में एक हम लिंक दे देंगे, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके अपने उस सारे प्रोसेस को आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।